हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग पूरा सुनेगा। इसका शीर्षक होगा विपत्तियों से लड़कर आती है शक्ति। तो अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, वह मेहनत तो खूब करता था लेकिन कभी पूरी फसल उगा नहीं पाता था। कभी ओले पड़ जाते तो कभी तूफान आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़। इस पर वह भगवान से नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप सब गड़बड़ कर देते हैं, बस इतनी ही फसल बचती है, सिर्फ दो जून की रोटी चल सके। उसने भगवान से प्रार्थना की कि बस एक साल के लिए ऐसा कर दो कि जब जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो जाए। भगवान ने स्वीकार दे दी। अब किसान ने मौसम को अपने अनुकूल रखा। जब चाहा धूप, जब चाहा छांव, सींचना हुआ तो पानी बरसा दिया, बाढ़ सूखा आधी ओले तो पड़ने ही नहीं दिए। जब फसल बड़ी हुई और दोनों को काटने का वक्त आया तो किसान हैरान रह गया। बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने भगवान से पूछा, भगवान आपने यह क्या कर दिया? इस पर भगवान बोले, तुमने निकी परवरिश तो मेहनत से की लेकिन इन्हें हवा पानी ओले और तूफान जैसी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं दी। विपत्तियों से मिली ऊर्जा से ही यह शक्ति विकसित हुई है। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति का विकास जीवन के संकटों से, संघर्षों से होता है।